सोलन अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि आए दिन हंगामे हो रहे हैं। रोगी को अपने बीमारी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। सोमवार को इमरजेंसी में महिला घायल अवस्था में आई तो महिला को इमरजेंसी में चिकित्सक ने देखने से मना कर दिया और उसे अस्पताल की ओपीडी में भेज दिया। इस बारे में लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन अस्पताल में वह दूर दूर से टैक्सियां कर इलाज करवाने आ रहे हैं, लेकिन यहां चिकित्सक न मिलने से बेहद हताशा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लोगों के टेस्ट निजी लैब में भेजे जा रहे हैं, गरीब लोगों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। इसलिए अच्छा है कि इस अस्पताल को बंद कर इसको निजी हाथों ही सौंप दिया जाए ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल पाए। बता दें कि सोमवार को इमरजेंसी में महिला घायल अवस्था में आई तो महिला को इमरजेंसी में चिकित्सक ने देखने से मना कर दिया और उसे अस्पताल की ओपीडी में भेज दिया। ओपीडी में पहले ही रोगियों की लंबी कतार थी और ऊपर से चिकित्सक अपने कैबिन में नहीं थे। महिला की दर्द बढ़ती चली गई, जिसके चलते महिला के पति का सब्र टूट गया और उसने वहां खड़े और मरीजों को इकट्ठा कर वहां हंगामा कर दिया और अस्पताल को बंद करने की मांग उठा दी। जब इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को पहुंची तो उन्होंने आनन फानन में चिकित्सक को भेजा और मामले को शांत करवाया। अस्पताल में जब यहाँ आई मैं तो इमरजेंसी में लेके गए तो उन्होंने एक स्लिप बनाया, स्लिप का ऊपर से बना के लाओ, स्लिप बना के लाए कहा ओपीडी में चले जाओ। ना मेरे को देखा, ना मेरे को कोई पेन किलर, कोई टेटनेस, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ भेज दिया। हम 9 बजे से खड़े हैं, कोई डॉक्टर नहीं आए, ना इधर कोई डॉक्टर था, ना इधर कोई डॉक्टर था, ना कोई रोक ना कोई टोक। इमरजेंसी के पेशेंट को ओपीडी में भेजा जा रहा है, ओपीडी में डॉक्टर कोई नहीं है। तो इससे अच्छा कि पेशेंट्स मर रहे हैं और लॉस हो रहा है, ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल का भी नाम खराब हो रहा है। इससे अच्छा इसको सरकारी हॉस्पिटल से बंद करके प्राइवेटाइज कर दो। हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती, साफ सफाई यहाँ नहीं है, और प्रशासन से मांग है कि अगर प्रशासन इस हॉस्पिटल को नहीं चला सकता तो इस हॉस्पिटल को ताले लगा दो। आधे से ज़्यादा डॉक्टर लिखते हैं टेस्ट फलानी जगह करा लो। हॉस्पिटल में टेस्टों की व्यवस्था कोई नहीं है, मरीज को बैठने की कोई सुविधा नहीं है, किसी समय किसी प्रकार की कोई सुविधा या नहीं। चेता से आ रहे हम सर, और सुबह ₹2,000 दे के गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे। 9 बजे से हम खड़े हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। लड़के की जो ये बाजू टूटी हुई है, सुबह से लेकर खड़ा, परेशान है बेचारा, अब हम क्या कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।